प्रधानमंत्री मोदी जितना अपने काम के लिए चर्चाएं बटोरते हैं, उतनी ही चर्चा उनकी ड्रेसिंग सेंस को लेकर भी होती है। मोदी के प्रशंसक जहां उनके ड्रेसिंग सेंस और कपड़ों की तारीफ करते हैं, तो विपक्ष उनके कपड़ों को लेकर निशाना साधता रहता है। वहीं आम जनता को भी ये जानने में रुचि रहती होगी कि मोदी के कपड़ों पर होने वाला खर्च उठाता कौन है। प्रधानमंत्री मोदी के कपड़ों पर होने वाले खर्च को लेकर अब आरटीआई से खुलासा हुआ है। एक आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया कि मोदी के निजी कपड़ों पर होने वाला खर्च पीएम अपनी सैलरी से ही उठाते हैं। इसके लिए सरकारी कार्यालय की तरफ से कोई रकम खर्च नहीं की जाती है। आरटीआई में नरेंद्र मोदी के पद ग्रहण करने के बाद से अब तक प्रति वर्ष उनके कपड़ों पर हुए खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। इसके जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि पीएम मोदी के वस्त्रों पर होने वाले खर्च का भुगतान सरकारी पैसे से नहीं किया जाता है। पीएम मोदी अपने कपड़ों पर अपने वेतन से ही खर्च करते हैं। गौरतलब है कि कुछ नेता मोदी का विरोध करने के लिए उनके कपड़ों को खास तौर पर निशाना बनाते हैं, लेकिन आरटीआई से मिली जानकारी के बाद साफ है कि मोदी दिन में 4 तरह के कपड़े पहने या 6 तरह के, उनके कपड़ों को लेकर निशाना साधना बिल्कुल फिजूल है, क्योंकि मोदी खुद की सैलरी से कपड़े पहनते हैं, ना बल्कि सरकारी खर्चे से। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।